उपखंड अधिकारी पोखरण के आदेश की पालना में ओढ़ानिया गांव में देवों के वास में बने मंदिर के आगे से प्रशासन द्वारा हटाया अतिक्रमण। स्थानीय मोहम्मद दरस ओढ़ानिया न्यूज। विकास अधिकारी पंचायत समिति साकला मुख्यालय पोखरण ने अधिकारी पोखरण को पत्र प्रेषित कर बताया कि ग्राम पंचायत ओढ़ानिया के राजस गांव ओढ़ानिया में देवों के वास में बने मंदिर के सामने अतिक्रमण किया हुआ होने से अतिक्रमण हटाने के लिए गांव के पंच पटेलों और मुखियाओं की कमेटी बनाकर अपनी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की सहमति दी गई थी। उसके बाद केवल आंशिक अतिक्रमण हटा कर अधिशूचित कर ली गई है और मंदिर के सामने निर्मित दीवारें पूर्वानुसार खड़ी है। अतिक्रमण हटाया नहीं गया है और अतिक्रमण हटाने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाने और पुलिस जाप्ता इंदाज हेतु उपलब्ध करवाने का अनुरोध करने पर उपखंड अधिकारी पोखरण द्वारा नायब तहसीलदार पोखरण भीखाराम चौधरी को नियुक्त किया गया और पुलिस उप अधीक्षक पोखरण को पुलिस जाप्ता इंदाज हेतु उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए, जिसकी पालना में नायब तहसीलदार पोखरण भीखाराम चौधरी, राजीव थानाधिकारी सुखराम विश्वमय पुलिस और आरएसी का जाप्ता, राम निगरा थाना बीओ शिशुपाल सिंह एसीमय जाप्ता और सहायक विकास अधिकारी धीमाराम, सहायक विकास अधिकारी जुगल किशोर जोशी, ग्राम विकास अधिकारी भानुमती, भू अभिलेख निरीक्षक जेतू सिंह ओढ़ानिया मौका पर पहुंच समझाइश कर जेसीबी की सहायता से निर्मित दीवारें हटाई गयी। मौका पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रही और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी से अतिक्रमण हटा कर ट्रैक्टर ट्रॉलिया में पत्थर वगैरह मलबा भरकर बाहर ग्राम पंचायत परिसर में डलवाया गया। गांव में अतिक्रमण बस्ती को देख लोगों की भारी भीड़ जमा रही। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर संपन्न हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। प्रेम शंकर शांत, अंता मातृभूमि न्यूज। बारां जिले के अंता कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां एवं तालुका विधिक सेवा समिति अंता की सचिव एकता मीना नेतृत्व में एक शिविर का आयोजन कस्बे की रदार कॉलोनी में स्थित आवासीय वृद्ध आश्रम में आयोजित किया गया, जिसमें पैरा लीगल वॉलंटियर प्रेम लता खत्री, पैनल अधिवक्ता पुरुषोत्तम बिसारती ने वृद्ध जनों को पेंशन संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित एवं विधिक कानूनी लाभ प्राप्त करने की जानकारी प्रदान करी, साथ ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सचेत रहने की बात का। विधिक शिविर के आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता सुरभि खंडेलवाल ने भी वृद्धजन दिवस की महत्ता बताते हुए स्थानीय वृद्ध आश्रम में सेवा एवं विभिन्न सुविधाओं के बारे में चर्चा की, जिसके पश्चात कोटा बारान रोड पर स्थित शांति कुंज वृद्धाश्रम पहुंचकर पैरा लीगल वॉलंटियर प्रेम लता खत्री ने पैनल अधिवक्ता के साथ आश्रम में निवास कर रहे बुजुर्गों फल एवं वस्त्र वितरित किए। वितरण एवं शिविर आयोजन के दौरान वृद्ध आश्रम की निर्मला शाक्यवाल, पार्षद प्रेम शंकर शांत, साहिल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हम लोग आपके बीच में आते रहते हैं, आपकी पेंशन